हेलो, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं तो लीनियर अलजेब्रा में हम लोग ने स्टार्ट किया था वेक्टर स्पेस से। वेक्टर स्पेस में वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, लीनियरली इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और लास्ट में बेसिस। तो ये फोर टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद हम लोग ने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया था कि दो वेक्टर स्पेस मिल गए तो उनके बीच में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करते हैं। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में एक क्वेश्चन तो ये आता है कि अगर बेसिस पे इमेज गिवन है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देंगे, या तो फिर सीधे सीधे एल टी है यानी उस पर क्वेश्चन आता है, या तो उसके वन वन ऑन टू के बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे, कर्नल टी, नलिटी टी पे क्वेश्चन आता है, रैंक नलिटी थ्योरम पे। और उसके बाद से हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स बनाते हैं और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और मैट्रिक्स दोनों में डिफाइन करते हैं आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। तो यहाँ पे आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर और उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है, जो थ्योरम्स है, उस पर क्वेश्चन आते हैं। और टॉपिक की बात करेंगे तो जॉर्डन कोनेनिकल फॉर्म से क्वेश्चन आता है, डायगोनलाइजेबल से क्वेश्चन आएंगे, और एक तो आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर और इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी। अब मैट्रिक्स से अलग से क्वेश्चन आते हैं। अब मैट्रिक्स में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे? एक तो जो 16 इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद रैंक पे क्वेश्चन आएगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे क्वेश्चन आएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म पे क्वेश्चन आएगा और इनर प्रोडक्ट स्पेस पे। तो आज के लेक्चर में ये जो बाकी के टॉपिक है, मतलब मैट्रिक्स के, रैंक, क्वाड्रेटिक फॉर्म, इनर प्रोडक्ट स्पेस, तो ये सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो पहले स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म से। क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होता है? मान लो मेरे पास एन वेरिएबल्स है, ठीक है? तो एन वेरिएबल्स का यूज करके एक एक्सप्रेशन बनाना है जिसमें क्या होना चाहिए, होमोजीनियस एक्सप्रेशन डिग्री टू का। अब होमोजीनियस एक्सप्रेशन डिग्री टू का कैसे रहेगा अगर मैं एन वेरिएबल्स का यूज कर लूं? तो एक्स वन स्क्वायर, एक्स वन, एक्स टू, ऐसे लास्ट में एक्स वन, एक्स एन, ऐसे ही एक्स टू, एक्स वन, सॉल्व अप टू एक्स टू स्क्वायर, सॉल्व अप टू एक्स टू एक्स एन, ऐसे लास्ट में क्या होगा, एक्स एन, एक्स वन, एक्स एन, एक्स टू और सॉल्व अप टू एक्स एन स्क्वायर, ठीक है? तो इसमें देखेंगे तो ये एन वेरिएबल्स का ये होमोजीनियस एक्सप्रेशन होगा डिग्री टू का, क्योंकि इसका भी डिग्री टू है, इसका भी डिग्री टू है, इसका भी डिग्री टू है, तो सबका डिग्री कितने आ रहे हैं इसमें? टू आ रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक होमोजीनियस एक्सप्रेशन है डिग्री टू का। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होता है, अगर एन वेरिएबल्स है तो ये अपने पास एक होमोजीनियस एक्सप्रेशन हो जाएगा डिग्री टू का, ठीक है? ये क्लियर है सबको? तो मान लो अगर टू वेरिएबल्स हैं तो टू वेरिएबल्स का क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसे रहेंगे, एक्स वन स्क्वायर, एक्स वन एक्स टू, एक्स टू एक्स वन और एक्स एन स्क्वायर। और यहाँ पे इसके साथ में कुछ कोएफिशिएंट भी रहेंगे, हाँ ये भी लिखिए, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये क्लियर है सबको? साथ में इसके साथ कोई स्केलर या कांस्टेंट रहेगा। बट अब क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी जैसे हम लोग ने मैट्रिक्स में पढ़ा था कि मैट्रिक्स का रैंक चेक करते हैं, मैट्रिक्स के कितने आइगन वैल्यू पॉजिटिव होंगे, निगेटिव होंगे, तैसे यहां पे भी कुछ कॉन्सेप्ट आता है, पॉजिटिव डेफिनेट, निगेटिव डेफिनेट, सेमी पॉजिटिव डेफिनेट, सेमी निगेटिव डेफिनेट या फिर नॉन डेफिनेट, ठीक है, या इनडेफिनेट बोलते हैं। इसमें भी रैंक होगा, इसमें एक इंडेक्स करके आता है, सिग्नेचर करके आता है, बट हम लोग डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्म से नहीं निकालते क्योंकि मैट्रिक्स अपने को अच्छे से पता है। तो अगर अपने को कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन है तो सबसे पहले तो मैं उसको एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करूंगा। अब इस मैट्रिक्स, ये इसी का क्वाड्रेटिक फॉर्म होना चाहिए, ठीक है? तो पहली बात तो क्वाड्रेटिक फॉर्म से जो मैट्रिक्स आता है वो क्या होता है, हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है? और अब जो मैट्रिक्स बनाना है Q ऑफ एक्स वो क्या होना चाहिए, एक्स ट्रांसपोज ए एक्स, वेयर एक्स इज इक्वल टू एक्स वन सॉल्व अप टू एक्स टू।
तो कोई भी मैट्रिक्स अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो इस ए को क्या बोलेंगे, ये मैट्रिक्स है इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का। तो यहां तक क्लियर है सबको? अगर एक क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन है तो किसी मैट्रिक्स को इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होना चाहिए। और ये क्वाड्रेटिक फॉर्म को अगर मैट्रिक्स से निकालना तो ऐसे निकाल सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स अगर बनाना है, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म की बनो, उसका यूज करके हम लोग मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो यहां तक क्लियर है सबको? अब क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाएंगे कैसे? अपने को पता है अगर एन वेरिएबल्स है तो उसके पास कितने टोटल क्वाड्रेटिक फॉर्म में कितने डिस्टिंक्ट टर्म्स हो सकते हैं, एन स्क्वायर टर्म्स हो सकते हैं। तो अगर मैं उसके कोएफिशिएंट को मैट्रिक्स में लिखूं, अगर एन वेरिएबल्स का यूज कर रहे हैं तो एक एन बाय एन ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। अब इस एन बाय एन ऑर्डर के मैट्रिक्स में जो कोएफिशिएंट है उनको यहां पे लिखना है, बट किस तरीके से लिखना है, डायगोनल पे सारे कोएफिशिएंट लिखने हैं। मैं सिर्फ किसका कोएफिशिएंट लिखना है वो यहां पे लिख देता हूं। तो पहले यहां पे x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, सॉल्व अप टू xn स्क्वायर। तो डायगोनल पे x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, सॉल्व अप टू xn का स्क्वायर। और उसके बाद फिर x1 x2, सॉल्व अप टू x1 xn, इनका क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। अब जो यहाँ पे लिखते हैं वही एज इट इज यहाँ पे भी लिखना है, x2 x1 बाय 2, x3 x1 बाय 2, सॉल्व अप टू xn x1 बाय 2, क्योंकि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है, मतलब डायगोनल पे और उसके ऊपर जो रहेंगे वही इसके डायगोनल के नीचे रहेंगे। तो इस तरीके से हम लोग पूरा मैट्रिक्स बनाते हैं। और यहाँ पे क्या लिखना है, x1 स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहाँ पे x1 इंटू x2 बाय 2 का कोएफिशिएंट लिखना है, या फिर जो भी रहेगा उसको 2 से डिवाइड कर दो, मतलब इसके इसको जो भी कोएफिशिएंट आएगा उसको हाफ से डिवाइड, 2 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है सबको ये? मान लो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म की बन है, x1 x2 2 x2 स्क्वायर। अब मुझे इसका मैट्रिक्स बनाना है, तो कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं, 2। तो मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का बनेगा, 2 बाय 2 ऑर्डर का। तो यहाँ पे किसका कोएफिशिएंट आएगा, x1 स्क्वायर। अब x1 स्क्वायर का टर्म यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे क्या आएगा, x1 x2 का कोएफिशिएंट। अब x1 x2 का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1, तो 1 को 2 से डिवाइड कर देगा, हाफ यहाँ पे भी लिखेंगे यहाँ पे भी हाफ। और x2 स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 2। मान लो अगर 3 वेरिएबल का कोई कोएफिशिएंट है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 3 x1 x2 प्लस 4 x3 x1 और x3 x2, तो इसका मैट्रिक्स क्या होगा, 3 बाय 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, क्योंकि इसमें कितने वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, 3। तो पहले डायगोनल पे क्या लिखते हैं, x1 स्क्वायर का कोएफिशिएंट, x2 स्क्वायर का कोएफिशिएंट और x3 स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो ये सब 1-1 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखना है, x1 इंटू x2 का कोएफिशिएंट। तो x1 इंटू x2 का कोएफिशिएंट क्या है, -3, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो -3 बाय 2। यहाँ पे क्या लिखेंगे, x1 x3 का कोएफिशिएंट या फिर x3 x1 का कोएफिशिएंट। तो x1 x3 का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 4, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2। और यही चीज यहाँ पे भी लिखना है, x2 x3 को का कोएफिशिएंट है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। तो ये एक मैट्रिक्स बन गया। तो मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म का हम लोग मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां तक क्लियर है सबको? अब अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म का अगर कोई पूछेगा किसका रैंक क्या होगा, तो हम लोग क्या निकालेंगे, मैट्रिक्स का रैंक। क्वाड्रेटिक फॉर्म का डिस्क्रिमिनेंट पूछते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्म का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, तो मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा उसी को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म का डिस्क्रिमिनेंट। इसके बाद इसमें एक होता है इंडेक्स। इंडेक्स क्वाड्रेटिक फॉर्म के, एक तो ये बोल सकते हैं कि जितने पॉजिटिव सॉल्यूशन होंगे, बट अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में बोलूं तो जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू होंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। तो एक तो अपने पास रैंक हो गया जिसको आर से डिनोट करेंगे, ऐसे ही इंडेक्स को पी से। तो अब अगर मुझे सिग्नेचर निकालना है तो सिग्नेचर का फॉर्मूला क्या होता है, 2p-r, मतलब जितना इंडेक्स है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और उसमें से रैंक को माइनस कर दो, तो ये अपने पास क्या आता है, सिग्नेचर आ जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्म का। क्लियर है सबको ये फॉर्मूला?
आर रैंक ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, पी इंडेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म और सिग्नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म मतलब 2p-r। हम लोग ने मैट्रिक्स में कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल कब होगा, ऐसे यहां पे भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्म डायगोनल कब होगा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म को डायगोनल कब बोलेंगे, अगर मान लो क्यू ऑफ एक्स जैसे टू वेरिएबल का है, एक्स वन स्क्वायर एक्स वन एक्स टू, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं टू टाइम्स एक्स वन एक्स टू और एक्स टू स्क्वायर, मान लो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म की बने, तो डायगोनल फॉर्म में ना ये वाले टर्म कोई प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है, तो वो अपने पास डायगोनल फॉर्म होगा, तो जिसमें सिर्फ एक्स वन स्क्वायर और एक्स टू स्क्वायर आना चाहिए। मतलब जब मैट्रिक्स बनाएंगे तो उस मैट्रिक्स में सिर्फ कितने एंट्री होंगे, सिर्फ डायगोनल पे एंट्री होंगे ना, अगर सिर्फ ये टर्म है इसका मतलब क्या है, उससे जो मैट्रिक्स आएगा उसमें सिर्फ कितने किसमें एंट्री रहेंगे, डायगोनल पे, बाकी सारे टर्म क्या हो जाएंगे जीरो, तो वो मैट्रिक्स किसमें आ जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स ना। तो किसी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म को डायगोनलाइजेबल कब बोलेंगे, जब इसमें सिर्फ एक्स वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर या फिर एन वेरिएबल है तो एक्स एन स्क्वायर, सिर्फ इसके ही टर्म रहने चाहिए, बाकी एक्स वन इंटू एक्स टू एक्स वन इंटू एक्स एन या एक्स एन इंटू एक्स वन नहीं होना चाहिए। क्लियर है सबको ये? हेलो, अब जैसे मान लो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म अपने पास गिवन है, मैंने उसका एक मैट्रिक्स बना लिया ए, अब क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है डायगोनल फॉर्म में। तो डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग एक एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स लेंगे ए और आई, ए में आई को ऐड करेंगे। अब क्या करना है, इस आई को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, डायगोनल फॉर्म में, और आई भी चेंज हो जाएगा किसी सम मैट्रिक्स बी में, तो ये अपने पास एक ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है और ये अपने पास एक डायगोनल फॉर्म मिलती है। अब इस डायगोनल फॉर्म को बनाने के लिए इसमें हम लोग जो ऑपरेशन यूज करते हैं उसको बोलते हैं कॉन्ग्रेंट ऑपरेशन। जैसे हम लोग ने एलिमेंट्री ऑपरेशन देखा है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, तो ऐसे कॉन्ग्रेंट ऑपरेशन क्या होता है, जब हम लोग रो ऑपरेशन और सेम टाइम पे वही अगर हम लोग कॉलम ऑपरेशन को भी लगाते हैं तो ऐसे ऑपरेशन को बोलते हैं कॉन्ग्रेंट ऑपरेशन। जैसे मान लो अगर मैंने आर वन को चेंज किया आर टू माइनस सॉरी आर टू को चेंज किया आर टू माइनस आर वन, तो सेम टाइम पे क्या लगाना है, सी टू इज इक्वल टू सी टू माइनस सी वन, तो ऐसे ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रेंट ऑपरेशन। क्लियर है सबको ये? तो तीन टर्म होते हैं, इसको भी नाम देंगे कि ए और बी। ये क्लियर यहां तक सबको कॉन्ग्रेंट ऑपरेशन, जब हम लोग रो ऑपरेशन और वही सेम ऑपरेशन हम लोग कॉलम पे भी लगाते हैं तो ऐसे ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेंट ऑपरेशन। तो किसी क्वाड्रेटिक फॉर्म के मैट्रिक्स को अगर उसके डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें कॉन्ग्रेंट ऑपरेशन लगाते हैं। अब थोड़ा ध्यान दो, हम लोग तीन अलग अलग टर्म पढ़ते हैं, एक होता है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, एक होता है कॉन्ग्रेंट मैट्रिक्स और एक होता है सिमिलर मैट्रिक्स। जैसे मैट्रिक्स नहीं आएंगे दो के लिए होगा तो मैट्रिक्स, कि ए एंड बी को हम लोग इक्विवेलेंट मैट्रिसेस का बोलेंगे, ऐसे ए एंड बी को कॉन्ग्रेंट मैट्रिसेस का बोलेंगे और सिमिलर मैट्रिसेस का बोलेंगे। तो ये तो हम लोग देख चुके थे कि इफ देयर एग्जिस्ट अ पी जो कैसा होना चाहिए, नॉन इन्वर्टिबल सच दैट मैं बी को एक्सप्रेस कर सकता हूँ पी इनवर्स ए पी, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमिलर मैट्रिक्स। और ये सिमिलर मैट्रिक्स होता है क्या वो भी अपने को पता है कि सेम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में अगर डिफरेंट डिफरेंट बेसिस लूंगा तो मुझे अलग अलग मैट्रिक्स मिलते हैं और वो सारे मैट्रिक्स आपस में क्या होते हैं, सिमिलर। तो ये तो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ए इज सिमिलर टू बी या बी इज सिमिलर टू ए।
ठीक है। और सेकेंड क्या है अपने पास, अपने को इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ही पता है। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, अगर मान लो कोई ए मैट्रिक्स है, मैं इसमें कोई रो ऑपरेशन लगा रहा हूँ या फिर कोई कॉलम ऑपरेशन लगा रहा हूँ, और ये एक नए मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा बी। ए मैट्रिक्स को मैंने चेंज कर दिया एक बी मैट्रिक्स में, और वो जो एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं, चाहे वो रो हो या कॉलम हो, इससे इसके रैंक में कोई चेंजेस नहीं होता। मतलब अगर रैंक ऑफ ए, पहले मैट्रिक्स का रैंक ए था, मैंने उस पर कुछ रो ऑपरेशन लगाया, जो तीन रो ऑपरेशन है वो, तो जो नया मैट्रिक्स आएगा बी, इन दोनों का रैंक चेंज नहीं होता। तो दो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का रैंक हमेशा क्या होता है, सेम होता है। ये क्लियर है सबको? तो मतलब अगर बी में मैं कुछ रो ऑपरेशन लगाऊं तो मुझे ए मिलेगा, और ए में कोई रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन मिलाऊं तो बी मिलेगा। तब हम लोग बोलते हैं कि ए एंड बी आपस में इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। तो ऐसे कॉन्ग्रेंट मैट्रिक्स किसको बोलेंगे हम लोग, जब ए में कोई मैं कॉन्ग्रेंट ऑपरेशन लगा रहा हूँ और उससे जो मैट्रिक्स बी मिलेगा, तो हम लोग बोलते हैं ए एंड बी आर कॉन्ग्रेंट मैट्रिक्स। क्लियर है सबको ये? तीनों में डिफरेंस क्लियर है सबको? इक्विवेलेंट मैट्रिक्स जब सिंपल रो ऑपरेशन लगाएंगे या कॉलम ऑपरेशन एलिमेंट्री वाला, तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, जिसमें उसका रैंक चेंज नहीं होता, रैंक सेम रहता है। ऐसे कॉन्ग्रेंट मैट्रिक्स में क्या होगा, ए और बी कॉन्ग्रेंट मैट्रिक्स कब होंगे, जब उसमें कोई कॉन्ग्रेंट ऑपरेशन लगा के मैं ए बना सकता हूँ, या फिर ए में कोई कॉन्ग्रेंट ऑपरेशन लगा के बी बना सकता हूँ, तो उन दोनों को क्या बोलेंगे, वो कॉन्ग्रेंट मैट्रिक्स। जैसे सिमिलर मैट्रिक्स का मीनिंग कुछ और था और उसको डिफाइन किसके टर्म्स में किया है, पी इनवर्स के टर्म्स में, ऐसे ए एंड बी अगर कॉन्ग्रेंट है तो इसका नोटेशन क्या है कि ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी इफ देयर एग्जिस्ट अ पी नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स सच दैट, इस बी को लिख सकता हूँ पी ट्रांसपोज ए पी। तो ये डेफिनेशन किसका हो गया, कॉन्ग्रेंट मैट्रिक्स का। सिमिलर मैट्रिक्स का क्या था कि B इज इक्वल टू P इनवर्स ए पी, ऐसे ये कॉन्ग्रेंट मैट्रिक्स का डेफिनेशन। तो कॉन्ग्रेंट मैट्रिक्स क्लियर हो गया सबको? तो इसी डेफिनेशन का यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। अब इसमें कुछ रिजल्ट भी है कि जैसे A अगर किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, अगर ए किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कॉन्ग्रेंट है, तो इसका मतलब ए भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा। मतलब अगर ए बी के, मतलब ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कॉन्ग्रेंट है, तो ए को खुद क्या होना पड़ेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब 2020 में क्वेश्चन बोला, बाकी सब तो हो चुका है ना इसमें का मैट्रिक्स हरमन। तो ए एंड बी आर बी अ रियल एन बाय एन मैट्रिसेस, विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, किसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। कह रहा है ए इनवर्स बी इनवर्स अगर कॉन्ग्रेंट है, तो ए और बी कॉन्ग्रेंट होगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज कॉन्ग्रेंट है तो ए एंड बी कॉन्ग्रेंट होगा। उसके बाद ए और बी अगर कॉन्ग्रेंट है किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, देन दे आर कॉन्ग्रेंट, इफ बोथ ए एंड बी हैव अ सेम रैंक देन दे आर कॉन्ग्रेंट। अच्छा, ये कुछ और रिजल्ट भी देख लेते हैं रैंक से। हम लोग ने क्या देखा था कि इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है, सेम होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ए अगर कोई भी मैट्रिक्स है, मैं इस पे कोई रो ऑपरेशन लगा के एक बी मैट्रिक्स बना रहा हूं, तो इन दोनों का रैंक सेम है, ठीक है। तो रैंक सेम होने से हम लोग ये तो नहीं बोल सकते ना कि ए और बी आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे, क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ रो ऑपरेशन लगाया। तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कॉन्ग्रेंट मैट्रिक्स नहीं होता, एवरी कॉन्ग्रेंट मैट्रिक्स इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होते हैं, बट कन्वर्स ट्रू नहीं होता। तो इसका मतलब रो ऑपरेशन लगाने पे भी रैंक नहीं चेंज होता। तो मान लो मैं एक ऐसा मैट्रिक्स ले रहा हूँ जो बी कुछ रो ऑपरेशन, ए पे कुछ रो ऑपरेशन लगा के बी बनाया गया, तो इसका मतलब रैंक चेंज नहीं है।
इट डजेंट इम्प्लाइज कि ए बी के कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग ये बता सकते हैं, लेकिन अगर दो मैट्रिक्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनका रैंक सेम होगा, लेकिन कन्वर्स टू नहीं होता। अब रैंक में कुछ और भी रिजल्ट है, जैसे एक होता है ग्राम मैट्रिक्स। ग्राम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जैसे पी और पी ट्रांसपोज का यूज करके मैं अगर मैट्रिक्स बना रहा हूं, या फिर पी ट्रांसपोज पी का, अगर मैं पी का रैंक निकालूं, या मैं पी ट्रांसपोज का रैंक निकालूं, या मैं पी पी ट्रांसपोज का रैंक निकालूं, या मैं रैंक निकालूं पी ट्रांसपोज पी का, ये सब सेम आते हैं। तो ये एक तो ये पॉइंट याद रखना है कि रैंक ऑफ पी, रैंक ऑफ पी ट्रांसपोज, रैंक ऑफ पी इंटू पी ट्रांसपोज और रैंक ऑफ पी ट्रांसपोज इंटू पी, ये सब सेम होता है। और इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम मैट्रिक्स। और ग्राम मैट्रिक्स की खासियत क्या है कि अगर मैं नॉन जीरो वेक्टर ले रहा हूं ना, तो इसके जितने भी आइगन वैल्यू आएंगे वो सारे पॉजिटिव आते हैं, ठीक है। एक तो ये चीजें हैं, मतलब अगर जीरो मैट्रिक्स को छोड़ दूं, तो अगर मैं नॉन जीरो वेक्टर लूंगा तो हम लोग इसको प्रूव करते हैं आइगन वैल्यू में कि इसके जितने भी आइगन वेक्टर है, सॉरी आइगन वैल्यू, वो सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि जो मैट्रिक्स आएगा वो कैसा मैट्रिक्स होगा, पॉजिटिव डेफिनेट। अब ये पॉजिटिव डेफिनेट क्या होता है, अगर सारे आइगन वैल्यू पॉजिटिव है तो उस क्वाड्रेटिक फॉर्म को पॉजिटिव डेफिनेट बोलेंगे, या उस मैट्रिक्स को। अगर सारे आइगन वैल्यू लेस देन जीरो है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव डेफिनेट। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो इसको बोलेंगे सेमी पॉजिटिव डेफिनेट, अगर लेस देन इक्वल टू जीरो है तो सेमी निगेटिव डेफिनेट, अगर चारों नहीं है तो उसको हम लोग बोलेंगे इनडेफिनेट। कभी कभी इसका रेंज भी पूछ लेता है, तो अगर रेंज पूछेगा तो इसका रेंज क्या होगा, जीरो टू इन्फिनिटिव, इसका रेंज पूछेंगे तो माइनस इन्फिनिटिव टू जीरो, इसका रेंज क्लोज इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटिव, इसका माइनस इन्फिनिटिव टू क्लोज इंटरवल जीरो, और इसका पूरा आर आ जाता है। तो ये अपने पास पॉजिटिव डेफिनेट, निगेटिव डेफिनेट, ये इसका का डेफिनेशन हो गया। अब एक रिजल्ट याद रख लो कि अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसके सारे मान लो ए और बी ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, दोनों नॉन सिंगुलर हैं, और दोनों के आइगन वैल्यू अगर पॉजिटिव डेफिनेट है, मतलब ये दोनों पॉजिटिव डेफिनेट है, उस केस में ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। इसका यूज होगा, इसके लिए बता रहा हूं, ठीक है। सिर्फ सिमेट्रिक रहेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे, उसके लिए और एक्स्ट्रा कंडीशन लगाना रहता है कि उसके जितने भी आइगन वैल्यू है वो पॉजिटिव होने चाहिए। और मैंने क्या बोला कि जितने भी ग्राम मैट्रिक्स हैं उसके भी आइगन वैल्यू क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब इसका आंसर देना है कि ए इनवर्स बी इनवर्स आर कॉन्ग्रेंट है, तो देन ए एंड बी कॉन्ग्रेंट होगा, बाय डेफिनेशन यूज कर सकते हैं हम लोग। ए इनवर्स और बी इनवर्स कॉन्ग्रेंट है तो डेफिनेशन यूज करेंगे कि बी इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, पी ट्रांसपोज ए इनवर्स पी, और फिर दोनों साइड में इनवर्स अप्लाई कर दूंगा तो फिर वो अपने को एक मैट्रिक्स मिल जाएगा, क्योंकि पी इनवर्टिबल है। तो पहला वाला ट्रू आएगा, फर्स्ट और सेकंड, चेक करो इसको ट्रू आ रही है, सिंपल डेफिनेशन यूज करो, ठीक है, दोनों ट्रू आ रहे हैं ना, सिंपल खाली डेफिनेशन यूज करना है। ए इनवर्स बी इनवर्स अगर कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब क्या है कि बी इनवर्स को, मतलब देयर एग्जिस्ट अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी सच दैट बी इनवर्स इज इक्वल टू पी इनवर्स ए इनवर्स पी लिख सकता हूं, कि दोनों साइड इनवर्स अप्लाई कर दो तो वो आ जाएगा। फिर इसमें क्या कह रहा है, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, इसमें भी सेम वही होगा, और जब इनवर्स अप्लाई करेंगे ना तो उसमें इनवर्स लॉ, बीजूस रूल यूज होता है, ठीक है। अब इसमें देखो, इफ बोथ ए एंड बी आर कॉन्ग्रेंट टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन दे आर कॉन्ग्रेंट, तो ये भी ट्रू होगा। ये फोर्थ वाला अपने को पता है, जैसे अगर ये बाकी नहीं भी आता तो ये तो अपने को पता है, ये तो ट्रू नहीं होगा क्योंकि ए और बी का सेम रैंक है, इट डजेंट इंप्लाई कि वो दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे, क्योंकि ए और बी का रैंक सेम है, तो ऐसे बहुत सारे इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिल जाएंगे, तो
बट जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रेंट हो। बाकी इसके केस में क्या करना है, ए और बी ये कॉन्ग्रेंट है किसके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, कॉन्ग्रेंट टू आई। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैं ए को कैसे लिख सकता हूं, पी ट्रांसपोज, मतलब देयर एग्जिस्ट अ पी वन सच दैट कि पी वन का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, एंड या तो आई को ऐसे लिख दो आई इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज ए पी, एंड सेकेंड क्या आ जाएगा पी टू ट्रांसपोज ए पी टू। तो पहले वाले के लिए पी वन मिल जाएगा और बी के लिए मान लो पी टू मिल जाएगा सच दैट पी टू का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। या फिर इसी को और कैसे लिख सकता हूं मैं, या तो ऐसे लिखेंगे या तो ए इज इक्वल टू पी वन ट्रांसपोज आई, इसको उल्टा करेंगे पी वन ए पी वन ट्रांसपोज एंड दूसरा यहां पे बी। तो बी को मैं क्या लिख सकता हूं, पी टू आई पी टू ट्रांसपोज। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए को मैं कैसे लिख सकता हूं पी वन इंटू पी वन ट्रांसपोज और बी को कैसे लिख सकता हूं पी टू इंटू पी टू ट्रांसपोज। अब ये कैसा मैट्रिक्स है, ये ग्राम मैट्रिक्स है। अब ये दोनों ग्राम मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन अपने को पता है कि कोई भी मैट्रिक्स ले लो ए एंड बी, ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ए इंटू ए ट्रांसपोज ये भी हमेशा क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये तो डायरेक्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन आ जाता है, बाकी प्रूफ भी कर सकते हैं कि सिमेट्रिक है। तो ये दोनों ग्राम मैट्रिक्स है, इसका मतलब दोनों के दोनों क्या होंगे सिमेट्रिक आएंगे। इसके सारे आइगन वैल्यू कैसे हैं, पॉजिटिव डेफिनेट आते हैं, और वहां से वो भी आ जाता है कि इसके ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर सिंगुलर नहीं पता तो डायरेक्ट चेक भी कर सकते थे, पी वन भी एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा, उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो ये इन्वर्टिबल भी है, दोनों के जितने पॉजिटिव आइगन वैल्यू सारे पॉजिटिव है, और दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। क्लियर है सबको ये, कहीं कहीं पे ये दिया था कहीं कहीं पे सिग्नेचर यूज करते कि मतलब उनका रैंक और सिग्नेचर सेम होना चाहिए। तो जब रैंक तो सेम ही आएगा क्योंकि दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, दोनों का जो भी पी जितना पी का जितना रैंक रहेगा उतना ही पी इंटू पी ट्रांसपोज का भी रैंक रहेगा। तो रैंक सेम है और उसका अगर पॉजिटिव डेफिनेट मतलब जो पॉजिटिव नंबर और पॉजिटिव आइगन वैल्यू सेम है तो उसका सिग्नेचर भी सेम आ जाता है। बचा डी, डी मेरा ऑप्शन करेक्ट आएगा। अब ये इनर प्रोडक्ट स्पेस का एक क्वेश्चन पूछा है, सीधे सीधा सिंपल क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट इसमें यूज किया है। अपने को पता है कि अगर आर रहता है तो हम लोग ये इनर प्रोडक्ट यूज करते हैं, और जब कॉम्प्लेक्स में रहेगा तो कॉन्जुगेट यूज करते हैं। मतलब दो वेक्टर लेंगे एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू, तो सीधे उसके कॉम्पोनेंट वाइज को मल्टीप्लाई करके एड करना। यही अगर कॉम्प्लेक्स में रहेगा तो सेकेंड का कॉन्जुगेट ले लेते, ठीक है। तो ये अपने पास ये डेफिनेशन आ जाता है। क्लियर है सबको, ये रियल के लिए है और ये कॉम्प्लेक्स के लिए है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है, बी। क्लियर है ये, एक ही ऑप्शन करेक्ट आएगा सेकेंड वाला, तो बी ऑप्शन सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ये रियल के लिए रहता है, कॉम्प्लेक्स में ये ट्रू नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या बोला है, वी और डब्ल्यू टू कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस है और टी बिलोंग कर रहे हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को फ्रॉम यू टू डब्ल्यू। इफ टी हैज अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ये टी का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, तो
तो कह रहा है कि विच ऑफ दी मैट्राइसेस रिप्रेजेंट दी एडजॉइंट मैप। तो टी स्टार का मतलब क्या होता है, सीधे सीधे मैट्रिक्स में लिखेंगे तो पहले उसका कॉन्जुगेट लो या ट्रांसपोज निकालो, या ट्रांसपोज लेके उसका कॉन्जुगेट ले लो, ठीक है। तो 2 1 प्लस i 3, 4 प्लस i, 1 माइनस i और i है। तो पहले इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, तो ये मेरा फर्स्ट कॉलम आ जाएगा, ये सेकेंड कॉलम। अब बाद में उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, तो 1 माइनस i, 4 माइनस i और 1 प्लस i, और ये -i आ जाएगा। देखो तो 2 1 प्लस i का 1 माइनस i, 3 4 माइनस i और 1 माइनस i का 1 प्लस i, i का -i, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको ये? निकालो, ए स्क्वायर निकालना है इसको। ए स्क्वायर निकालना है। हाँ बोलो, ए स्क्वायर निकालना है, ए गिवन है उसका स्क्वायर निकालना है, ए इंटू ए, और ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, 2 पाई i के। आया? अरे इतना टाइम कैसे लग रहा है, फटाफट लग रहा है। आया किसी का? सी ऑप्शन आ रहा है सबका। हाँ वो तो फर्स्ट एंट्री से ही पता चल जाएगा। नहीं, फर्स्ट एंट्री से तो एक दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, एक तो बी और एक तो डी। देखो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो 1/3 आ जाएगा, और इसको जब फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 से डिवाइड करेंगे, मतलब पहला वन आना चाहिए, तो इससे ये और ये दो एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब ऐसे एक काम करो, एक और एंट्री निकाल लो, अगर ये भी डायगोनल का निकाल लो ना, अगर ये 1 आया तो ये ट्रू होगा, और 0 आया तो ये। तो सेकेंड के लिए क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 1, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर,
और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा रेस टू फोर, मतलब सिर्फ ओमेगा आ जाएगा। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, तो इसका मतलब ये वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा डी, सॉरी ये एलिमिनेट हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना करेक्ट आ जाएगा। बाकी इसमें हर जगह क्या यूज करना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें देखो ये भी हम लोग देख के आए कि जब भी मुझे किसी ए इंटू ए ट्रांसपोज का रैंक निकालना है, तो अगर मैं ए का रैंक निकाल लूं या ए ट्रांसपोज का रैंक निकाल लूं, सबका रैंक सेम ही आता है। ए का निकालो, ए का ट्रांसपोज निकालो, ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालो या ए ट्रांसपोज इंटू ए निकालो, सीधे सीधे दिख रहा है कि ये इसका मल्टीपल है, तो 2 रैंक आएगा। क्लियर है सबको ये? इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा, तो मतलब इसका रैंक 2 है, तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। पी एक 3 बाय 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसका रैंक 3 है और ए अपने पास ये गिवन है, देन द रैंक ऑफ पी ए, पी ए का रैंक निकालना है। इसमें क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे अपने को कि अगर किसी मैट्रिक्स को किसी नॉन इन्वर्टिबल सॉरी किसी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इसके रैंक में कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये अपने पास 3 है, इसका मतलब क्या है, ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो जो ए का रैंक होगा वही पी ए इंटू ए का रैंक हो जाता है। तो ए का रैंक कितना आएगा, 2 आ रहा है ना, सीधे सीधे इसको निकाल भी सकते हैं, इसमें से ये माइनस कर देंगे 6 आएगा, इसमें से ये माइनस कर देंगे 3, तो ये 6 3, तो वो देखा जाए तो ये सी का मल्टीपल है, ये 3 आ रहा है और ये सब 6 6 आ रहा है ना, 6 6 6 3 3 3, तो उसके बाद 3 × 2 करेंगे तो ये दोनों सेम हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका रैंक 2। डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला अपने को पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ अल्फा टाइम्स ए इज इक्वल टू अल्फा रेस टू एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर ए का ऑर्डर एन है किसी मैट्रिक्स का, तो डिटर्मिनेंट ऑफ अल्फा इंटू ए निकालना है, तो अल्फा जब बाहर आता है ना, तो उसके साथ उसका पावर भी साथ में ऐड हो जाता है,